दिनों एक खबर सबसे ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है, वो है कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है दिवाली के खास मौके पर कैटरीना और विक्की की रोका सेरेमनी हुई है फिल्म डायरेक्टर कबीर खान के घर पर। इस दौरान दोनों के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे हैं। वहीं इसके अलावा खबरें आ रही हैं कि जल्द ही कैटरीना दिसंबर के महीने में 7 से 9 तारीख के बीच शादी के बंधन में बन सकते हैं। कैटरीना और विक्की बेहद शाही अंदाज में शादी रचाना चाहते हैं, इसी वजह से उन्होंने राजस्थान के सवाई माधोपुर के बरवाड़ा स्थित सिक्स सेंस कोर्ट होटल को चुना है, जो कि तकरीबन 700 साल पुराना है। और इसी किले में कैटरीना और विक्की की शादी के फंक्शंस किए जाएंगे। इसी दौरान देखा जाए तो कैटरीना और विक्की को लेकर कई राज भी खुल रहे हैं। वेल, फिलहाल देखा जाए तो कैटरीना और विक्की की तरफ से शादी की खबरों को लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन इस दौरान कैटरीना कैफ के पुराने इंटरव्यूज भी वायरल हो रहे हैं, जब कैटरीना कैफ ने अपनी शादी को लेकर अपने दिल की बात को शेयर किया है। वेल, इसी बीच कैटरीना का एक इंटरव्यू सामने आया है, जब साल 2018 में अपनी फिल्म जीरो के प्रमोशन के दौरान कैटरीना से शादी के बारे में पूछे गए थे कुछ सवाल। जी हां, कैटरीना कैफ से कई सवाल पूछे गए उनकी शादी को लेकर, तो वहीं कैटरीना ने कहा कि देखिए, आप इन चीजों को प्लान नहीं कर सकते हैं, जब होना होता है तब हो जाता है। मैंने एक बार प्लान किया था पर चीजें नहीं हो सकी, ऐसे में अब मैं कोई भी प्लान नहीं करना चाहती हूँ, देखना है कि अब ये काम करता है या फिर नहीं। वेल, कैटरीना कैफ ने अपनी शादी को लेकर अपने दिल की बात इस तरह से कही थी कि आखिरकार वह अपनी शादी को लेकर किस तरह से प्लानिंग कर सकती है, लेकिन कैटरीना ने बताया कि एक वक्त वह शादी करने वाली थी लेकिन अब वह प्लान नहीं कर सकती है। इन चीजों को लेकर वह कोई भी प्लानिंग नहीं करना चाहती हैं और अब कैटरीना कैफ शादी के बंधन में बंधे जा रही हैं। इसको लेकर लगातार अपडेट्स आ रही हैं। कहा जा रहा है कि शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, लेकिन अभी तक कैटरीना और विक्की की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। फैंस इंतजार कर रहे हैं कैटरीना और विक्की के स्टेटमेंट का। फिलहाल देखा जाए तो दोनों की शादी को लेकर तमाम अफवाहें उड़ रही हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़।